कन्नौज उमरदा विकासखंड क्षेत्र के सदले पूर्वा गांव में श्री रघुवीर समाज सेवा समिति के तत्वावधान में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कन्नौज के सपा सदर विधायक अनिल दोहरे ने कहा कि होली का पर्व आपस में संवाद व प्रेम का प्रतीक है। होली के पर्व पर लोग आपस में गले मिलकर सभी गिले शिकवों को भूल जाते हैं। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान सपा सरकार द्वारा चलाई गई विकास की योजनाओं के बारे में भी बताया। भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से कन्नौज का विकास ठप पड़ा है। सपा सदर विधायक अनिल दोहरे ने कहा कि सपा सरकार के दौरान कन्नौज जिले की तमाम विकास योजनाओं की सौगात दी गई थी। बड़ी योजनाओं में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे विशिष्ट मंडी भाव, परफ्यूम पार्क, कॉल कॉलेज में कैंसर अस्पताल, रोग संस्थान व पैरामेडिकल कॉलेज जैसी योजनाएं शुरू की गई थी जो कि पूरी भी हो जाती। भाजपा सरकार ने पिछले 3 सालों में इन योजनाओं को कोई बजट नहीं दिया जिनके कारण सभी बंद पड़ी हुई है, जिस वजह से कन्नौज का विकास रुक गया है। उन्होंने मौजूदा ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि लोग वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में अभी से जी जान से जुट जाएं। सपा की सरकार बनी तो फिर से कन्नौज में विकास की गंगा बहेगी। होली मिलन समारोह में MLC पुष्पराज जैन, कक्कू चौहान, संजू कटियार, इंद्रेश यादव, रचना सिंह, विनोद यादव, अंशु यादव समेत तमाम सपा नेता मौजूद रहे। सदले पूर्वा गांव में विधायक अनिल दोहरे का जोरदार स्वागत किया गया। जब आजाद हुआ तो निश्चित तौर पर आज हम सब लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि किस तरह से हमारे तमाम पूर्वजों ने कुर्बानियां बलिदान दी। आज से हम लोग राजनीतिक लोग हैं और सब चीज देखते हैं कि किस तरह से सरकारें आपस में समाज में भाई से भाई को जाकर धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर रही है। जो निश्चित तौर पर जिन सरकारों को, जिन लोगों को त्योहार के माध्यम से और शासन सरकार के माध्यम से आपसी भाईचारा कायम करने का काम करना चाहिए। आज जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के तहत देश चलाने का काम किया, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और आजादी दी अपनी बात कहने की, अपने तरह से पूजा पाठ करने की, त्योहार मनाने की, लेकिन ये सरकार किस तरह से काम कर रही है। आज परिस्थितियां समाज के लिए इतनी खराब हो रही है तो कोई व्यक्ति अपने बात बनवाने के लिए सरकार के सामने बात रखे तो निश्चित तौर पर बिना पूछे बताए गोली चलने का काम हो रहा है। तमाम इस तरह से पुलिस और प्रशासन और सरकार द्वारा तमाम है तो निश्चित तौर पर ये सरकार जो चल रही है, हम समाज को एकजुट करने का काम करें। इस तरह से हमारे नेता आचार्य अखिलेश यादव जी चूंकि कन्नौज से इस तरह से उन्होंने विकास के रास्ते आचार्य अखिलेश यादव जी ने कन्नौज के लिए और कन्नौज के हर व्यक्ति के लिए कहूंगा उन्होंने कुछ ना कुछ काम किया, इतना विकास किया शायद कई लोगों ने बताने का बस कम काम किया है और इनके कामों को अगर गिराना शुरू कर दिया जाए तो हमारे ख्याल घंटों लग जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं। सौरभ